हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को कहा था मैंने कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मेरे कॉलेज के कैंपस को मैं दिखाऊंगा उसमें। तो गाइस, मैं अभी फ़िलहाल तो वेलोर में ही हूँ और ये अपने रेंट हाउस में हूँ अभी, क्योंकि हमें अराउंड 1 मंथ इधर रहना ही है, तो इसलिए रेंट हाउस ले लिया था हमने। तो और गाइस, आपके प्रेयर्स के वजह से मेरे मामा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और वो फिलहाल तो एडमिट है और उसका देखभाल करने के लिए 2 लोग हैं फिलहाल। इसलिए तो मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए मैं निकल रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि बाद में समय भी नहीं मिल सकता। तो आज मैं निकलूँगा कॉलेज के लिए, तो उधर घूमने के बाद 1-2 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। तो गाइस, मिलते हैं जर्नी में और आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ वेलोर के नए बस स्टैंड के लिए, तो मिलते हैं वहाँ। चलिए, तो ड्राइवर अंकल हम लोग को लेके आ गए हैं इधर नया बस स्टैंड पे, और ये बस जाएगा चेन्नई के लिए। अभी हम लोग चढ़ गए हैं बस पे और मुझे पता चला है कि ये बस सिर्फ पेरंगलातूर तक जाएगा, जहाँ से हमको चेंज करना पड़ेगा फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ पेरंगलातूर और बस का स्टॉप यहाँ ही तक था, तो यहाँ से मैं अभी ऑटो में जा रहा हूँ। फिर से ऊपर ओला कर सकते थे पर थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऑटो कर लिया है अपने रूम तक के लिए। चलिए, मिलते हैं वहाँ। गाइस, हम लोग पहुंच गए अभी रूम और अभी चेक इन कर रहे हैं और अन्ना हेल्प कर रहे हैं मुझे चेक इन करने में। ठीक है, अभी चलते हैं चेक इन करके फिर रूम में चलते हैं। और फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए हैं और भाई साहब खोल रहे हैं हमारे लिए। चलिए रूम के अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग रूम में पहुंच गए हैं गाइस, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूम मिला है। द प्राइस इज़ ओनली 2,200 और सब चीज़ नया ही लग रहा है, लेकिन ये 7 साल रनिंग होटल है। तो गाइस देखिए कितना अच्छा रूम है, वेल क्लीन बेड, अच्छा बेड है और टीवी, एसी, फैन, और देखिए डाइनिंग के लिए आपके लिए इतना अच्छा टेबल है, लैपटॉप रख के आप काम भी कर सकते हो, ऑफिस वर्क करेगा तो कुछ। देखिए गाइस, इतना अच्छा मिरर है यहाँ, कबर्ड्स हैं, बंद है शायद, खुला है, कबर्ड्स है, और यहाँ बगल में देखिए बाथरूम भी है, बहुत ही अच्छा लग्जरियस है। फॉर द प्राइस बहुत ही अच्छा है, टॉवल्स भी रख दिया है उन्होंने, साबुन है, सब चीज़ है। तो गाइस, अभी मैं फ्रेशअप हो जाऊँगा थोड़ा और इसी कपड़े के साथ मैं चलूँगा अपने कॉलेज के ओर, और मिलते हैं आपको अपने कॉलेज में। दिखाऊँगा कॉलेज का कंपाउंड, पूरा कंपाउंड वॉकिंग करके। और मैंने एक अपने फ्रेंड को भी कॉन्टैक्ट किया है और वो उधर ही है और वो अभी तक PhD कर रहे हैं, उसका फाइनल है ये ईयर, तो उससे भी मिलके मैं उसके साथ पूरा कैंपस घुमाता हूँ आपको। चलिए गाइस, बनते रहेगा वीडियो पे। गाइस, आई एम ऑल फ्रेश्ड अप और थोड़ा नहाने के बाद अभी निकलूँगा खाने के लिए। जो मेरे दोस्त हैं, एक को कॉल किया, वो बोल रहे कि शाम के 4 बजे वो फ्री हो जाएगा, और एक दूसरा है जो PhD कर रहा है अभी, तो उसका कुछ काम पड़ गया, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा लंच करने, क्योंकि वहाँ से अभी तक सुबह भी कुछ खाया नहीं हूँ मैं। तो एक जगह जाऊंगा, Table 9 करके एक जगह है, मैं बिरयानी खाया करता था, वो कैरेलियन है वहाँ का जो दुकान का मालिक है, तो देखते हैं टेस्ट अभी तक वैसा है कि नहीं, और मिलते हैं वहाँ चल के। चलिए, अभी शेयर ऑटो में जाएंगे यहाँ से उधर तक। मैं उतर गया हूँ और यहाँ देखिए ये पूरा पूरा बंद कर दिया गया है, हम लोग के समय ये बंद नहीं था, तो बहुत ही सुधार आया यहाँ, बहुत सारे डीलर्स खोल गए हैं सामने में, बहुत सारे चीज़ खुले हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ Table 9, और यहाँ बहुत गर्मी है और मेरा जो सनस्क्रीन है मैं भूल गया हूँ लेने, तो यहाँ दुकान में जाके कहीं से ख़रीद लूँगा फिर खाने के बाद, पहले पेट पूजा। चलिए मिलते हैं गाइस। गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं Table 9 में और अंदर चलते हैं खाने। चलिए, तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन बिरयानी, चलिए खा के देखते हैं। तो टेस्ट गाइस लाजवाब है, पहले से भी बेटर। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेन गेट पे, और एक्चुअली मुझे याद नहीं है इसको मेन गेट कहते हैं या पीछे वाले को मेन गेट कहते हैं। और चलिए चलते हैं, आपको होटल दिखाते हैं। ये है SRM का होटल, थोड़ा एक्सपेंसिव है इसलिए मैं इधर नहीं रह रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा होटल सस्ते में निपट गया है मेरा,
और ये है यूबी बिल्डिंग और उसका फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस इधर से है। और ये है देखो अपना बिग गेट, इसको मेन गेट बोलते हैं ना, बिग गेट, वो भी भूल गया, एंड ऑटो स्टैंड है। और वहाँ आप देख सकते हैं आपको शटल का सर्विस भी है अंदर तक जाने के लिए। ये है SRM का आर्टिफिशियल लेक जो कि सूख जाता है जब ज़्यादा गर्मी हो जाता है। तो मैं अभी SRM के मेन बिग गेट पे था और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगे, तो तब तक मैं आपको SRM के बगल में पुथरी के मार्केट को पूरा दिखाऊंगा। अभी बहुत ही बड़ा मार्केट है, ये भी छोटा नहीं है, आपको सुई से लेके सबसे बड़ा आइटम भी इधर मिल जाएगा। तो मार्केट इधर से शुरू हो जाता है, देखिए यहाँ से पूरा अंदर पूरा मार्केट, पता नहीं इधर का शॉप जितना था पूरा टूट गया है शायद, अभी जाके एक्सप्लोर करते हैं। इस तरफ पूरा स्ट्रीट पूरा दुकान है, उसका लेफ्ट राइट में भी गली गली में भी पूरा दुकान है इधर। तो अभी मैं जा रहा हूँ फार्मेसी और सनस्क्रीन ले लिया है मैंने उधर से। मेरा जो केस है मोबाइल का वो पूरा पीला हो गया है, इसलिए मैं ले रहा हूँ एक मैगसेफ केस और मैंने एक सेल्फी स्टिक भी लिया है। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मार्केट एरिया। रोड को पूरा अच्छे से बना दिया है और यहाँ क्रॉसिंग के लिए भी इतना अच्छे से जगह बना दिया है। ये राजस्थानी होटल सबको याद होगा जहाँ सब हारे थे मेरे से खाने में और मैं फर्स्ट आया था खाने में। मैंने अराउंड 20 प्लस रोटी खाया था उस दिन। अगर आप SRM आते हो और आपको मोमो चाव थुक्पा कुछ खाना है तो यहाँ एक आगे एक नेपाली रेस्टोरेंट था, तो बहुत ही अच्छा दुकान था। मुझे लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है, ये जो ग्रिल देख रहे हो आप, जो गेट उधर था रेस्टोरेंट, जो अभी पोगो गैजेट्स मोबाइल सीजन सर्विस बन गया है। और यहाँ AC आपको रेंट में मिलेगा, आप देख सकते हैं सेकेंड हैंड में। ओके तो यहाँ बन गया है नेपाली वाला, बहुत ही अच्छा टेस्टी मोमोज थुक्पा सब चीज़ बनाते थे, बिल्कुल अरुणाचल वाला फीलिंग देता था। और ये है अबॉट वैली और आगे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं एक लेक है आगे, तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। और ये विजन ये है अबॉट वैली का एंट्रेंस। और ये है लेक, इसको देख के आप सोचिएगा मत कि मैं सागर में हूँ, ये एक लेक है, बहुत बड़ा लेक है आर्टिफिशियल ये भी। और वो है पूरा SRM। तो गाइस मैं वापस वही जगह आ गया हूँ घूर के मंदिर के सामने। तो गाइस मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया था और वो लोग अभी पहुँच गए हैं एक बाइक में और दूसरा स्कूटी में, एक PhD कर रहा है और दूसरा वर्क कर रहा है अमेजोन में फार्मेसी करने के बाद। I came to Vellore, no? That's why I wanted to see you, see all guys also, and see the college also. You saw the college? Is he taking vlog? It's so much. Thank you for coming and meeting. Thank you, bro. See you again in your marriage, okay? Yes, sure. Okay, sure. Invite me. Sure. गाइस ये है यूबी बिल्डिंग, यहाँ पूरा एडमिशन का प्रोसेस चलता है, ये कम से कम 16 माला का है और बहुत सारा अंदर में अलग अलग काम चलता है इधर। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो SRM में तो आप डायरेक्टली इधर आके एडमिशन लीजिएगा रादर देन कैचिंग ए ब्रोकर, क्योंकि पैसे बहुत खाते हैं वो लोग। और SRM में ब्रोकर भर के हर स्टूडेंट ब्रोकर बनने का कोशिश करता है यहाँ, तो नेवर ट्रस्ट दोस गाइस।
और गाइस अभी अंदर का भी घुमाता हूँ और बहुत सारी बिल्डिंग्स का नाम भी भूल गया, कौन सा ब्रांच किधर था, इसलिए पूरा डिटेल ही नहीं बता पा रहा हूँ। बस वीडियो को देख के आप इंजॉय कीजिए। और गाइस यहाँ बास्केटबॉल और कुछ अलग अलग गेम्स होते हैं। ये है वलेमे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी कोर्ट से हम लोग सीधा चलते हैं टेक पार्क और वो यूबी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। अभी टेक पार्क की ओर चलते हैं और लग रहा है कुछ साउंड आ रहा है, तो लगता है कुछ प्रोग्राम चल रहा है उधर। तो देखिए ये मैजेस्टिक शरम का शान टेक पार्क, और ये बगल में है आप देख सकते हैं, ये है SRM कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट, और बगल में लॉ कॉलेज भी है। और आगे बहुत भीड़ है, शायद कुछ प्रोग्राम चल रहा है। चलिए यहाँ पहले गार्डन हुआ करता था, पर अभी देखिए ये राजा का घर जैसा लग रहा है। कुछ पिलर्स चढ़ने का कुछ बना रहे हैं और यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये भी बहुत बड़ा कुछ बनने वाला है, देखिए पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन जो भी बन रहा है मस्त बन रहा है भाई। और ये है टीपी गणेशन ऑडिटोरियम, ये बहुत ही बड़ा है अंदर से भी। अंदर में अराउंड 3,000 to 4,000 का कैपेसिटी है इसके अंदर भी। हम लोग ने भी एक बार ये ऑडिटोरियम पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं फैशन शो का शो स्टॉपर बना अपने ग्रुप के लिए, अपने टीम के लिए। और ये देखिए यहाँ से एंटर करते हैं, और जब प्रोग्राम रहता है तो पूरा भीड़ हो जाता है इधर अंदर। हम लोग कॉलेज के समय यहाँ खेला करते थे, यहाँ सूखा है आप देख सकते हैं, इसके वजह से मेरा साइनस भी शुरू हो गया था यहाँ से, और स्टिल मैं साइनस का बहुत बड़ा शिकार हूँ। देखिए ये पूरा मेडिकल है, उसके पीछे भी ये बहुत ही बड़ा मेडिकल है सर। बैकग्राउंड इतना बड़ा है फिर भी बहुत कम पड़ जाता है जगह। ये स्ट्रक्चर का क्या कहना भाई, देखिए यहाँ अमेजिंग स्ट्रक्चर है पूरा। आप देख सकते हैं टेक पार्क, यहाँ फेस्ट भी चल रहा है, आपने देखा होगा आगे, और उस तरफ हॉस्टल्स ये सब है, आपको पूरा दिखाते हैं, मेडिकल वो डेंटल, और उस तरफ आगे बहुत सारे जगह है आपको दिखाने के लिए, दिखाते हैं आगे, देख बनते रहिएगा। और गाइस इन सब को देखने के बाद खेलने का मन हो गया था, तो अपना जो 5-6 साल का मेमोरीज को फ्लैशबैक में जाते हैं, और अभी मैंने रिक्वेस्ट किया हम सभी से खेलने के लिए, और मैं खेलना शुरू कर रहा हूँ इसी कपड़े में। करने के लिए तो गाइस मैंने सोचा कि मेमोरी रिक्रिएट करूँगा और खेलूँगा 5-10 मिनट, बाद खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला और पूरा भीग गया हूँ। और अभी आपको दिखाऊंगा, रात हो गया फिर भी दिखाई। ये है मेडिकल कॉलेज, यहाँ का MBBS कॉलेज है ये मेडिकल का, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है, वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा क्योंकि पूरा रात भी हो गया। आपको दिखा रहा हूँ ये SRM कॉलेज का MBBS ब्लॉक, ये MBBS है, हॉस्पिटल भी है। तो गाइस ये ही बगल में है, आप देख सकते हैं ये डेंटल कॉलेज, कॉलेज जो है ऑलमोस्ट कॉलेज के लास्ट एंडिंग में है। और आगे वो सीधा में है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, और यहाँ दूसरा ग्राउंड भी है तो आपको दिखाते हैं। पहले ये ग्राउंड पूरा खाली हुआ करता था, कुछ नहीं था, पूरा ड्राई था,
सूखा ज़मीन था, अभी पूरा ग्रास लगा दिया है इन्होंने इधर। और यहाँ देखिए एथलीट लोग के लिए पूरा दौड़ने का ट्रैक, स्टेडियम टाइप का आपका सीट्स बना दिया उधर बैठने के लिए। और यहाँ बहुत लोग खेल रहे हैं, अभी तक लाइट लगा दिया इसलिए खेल सकते हैं रात को भी। और उधर है एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं। और गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा साइनस है, साइनस का एक प्रॉब्लम है मेरा, तो वो साइनस का प्रॉब्लम इधर से निकला था। जो लास्ट ईयर मैं जब यहाँ कॉलेज ख़त्म करके निकल रहा था तो उसी समय मैं नाक में कुछ इरिटेशन हुआ, उसके बाद मैं जब घर पहुँचा उसके बाद से मुझे साइनस हो गया। अब वीडियो में देख रहे होंगे कि पूरा ग्राउंड सूखा है जिसकी वजह से धूल बहुत उठता है, तो उसकी वजह से साइनस हो गया ज़्यादा धूल की वजह से। ये हॉस्पिटल को देखिए कितना लंबा है, कितने 6-7 फ्लोर्स के हैं और लगभग 500 मीटर तक का होगा, इतना लंबा है चौड़ाई में। यहाँ हर 5-10 मिनट में शटल अंदर से बाहर तक के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एसआरएम का अपना ही 100, 200, 300, 400 शायद अनगिनत बसेस हैं। और ये अंदर घुसते ही आपको मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल, और लेफ्ट साइड में पूरा बॉयज़ हॉस्टल है जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अभी हम लोग थोड़ा एनर्जी लेने चलते हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने, तो आपको लेके चलते हैं एसआरएम का जावा ग्रीन। शोर सुनाई दे रहा होगा, एक छोटा सा फेस्ट चल रहा है यहाँ। नॉर्मली बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बड़ा फेस्ट होता है यहाँ। यहाँ मेले भी लगते हैं, स्टॉल्स भी लगते हैं, लेकिन ये छोटा सा एक फेस्ट है, लेकिन भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको दिखाते हैं, दिन का तो दिखा दिया है, रात को फिर दिखाते हैं आपको। बिल्कुल और ये है वल्लभमई कॉलेज। यहाँ मेरे अरुणाचल से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे जूनियर्स, एक डिप्लोमा कॉलेज है वो। और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी था लेकिन अंधेरा हो गया है और लेट भी हो गया हूँ खेलने के बाद। सो लास्टली मैं आपको अपना कॉलेज भी दिखाई देता हूँ। मैं था फार्मेसी में, तो मैंने किया है बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आपको वहाँ चल के दिखाते हैं। मैं अभी अंदर आया हूँ कॉलेज का, अब पानी पीने के बहाने से वॉचमैन को बोल के। पता नहीं अब कब मिलेंगे, कुछ बना तो नहीं फार्मेसी पढ़ के, लेकिन पढ़ा तो इधर ही हूँ। चलिए चलते, आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे कंट्रियों के फ्लैग लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर कंट्री के तो लगे ही होंगे। अभी मेरा फ्रेंड आएगा मुझे पिकअप करने के लिए और हम दोनों जाएंगे जूस पीने और उसके बाद रूम चलेंगे। एक घंटा Thank you.
पीछे के बगल में एक होटल है। चलो बाय बाय गाइस, फाइनली होटल पहुंच गया हूं और अभी रूम के लिए जा रहा हूं अंदर। नमस्कार। तो चलते हैं रूम क्योंकि थक गया हूं मैं खेलने के बाद। तो गाइस अभी हम लोग रूम पहुंच गए हैं और अभी मेरा आउटफिट जो है, जो कपड़ा है, बहुत ही गंदा हो गया क्योंकि मैं इस कपड़े के साथ ही खेला। एक्चुअली मैं खेलने वाला नहीं था, फिर भी बच्चों को खेलते हुए देखकर खेलने का मन कर गया। तो अभी गाइस फ्रेश अप होते हैं और वीडियो को एडिट करके अपलोड करते हैं। बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, तो इसलिए फिर आज डिनर भी नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा पहले ब्रेड ऑमलेट खाया और तीन वाटरमेलन जूस पिया है मैंने। तो गाइस वीडियो को इधर ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। कल मैं जा रहा हूँ फिनिक्स मॉल, तो कल फिनिक्स मॉल का भी वीडियो आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और मुझे बढ़ने में हेल्प कीजिएगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, टाटा, गुड बाय।